नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज फुलारा और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेवी एमआर के एग्जाम की, जिसका पेपर आज 23 फरवरी 2019 को हुआ है। दोस्तों देखेंगे शिफ्ट वन, शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री में कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए नेवी एमआर के एग्जाम में। दोस्तों शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के कुछ क्वेश्चन की मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आप जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए शिफ्ट वन, शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री के पेपर में आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था, भारत में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर किस भाषा में लिखी जाती है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर हिंदी भाषा में लिखी जाती है। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था जापान का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो गाइस जापान का राष्ट्रीय पशु है आइबिस। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था भारतीय थल सेना के कितने कमांड हैं। तो गाइज मुझे इतना कंफर्म नहीं है, तो भारतीय थल सेना में अगर मैं आर्मी की बात करूं तो यहां पे 7 कमांड है, नेवी में 3 कमांड है और एयरफोर्स में 7 कमांड है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया भारत रत्न सबसे पहले किस खिलाड़ी को दिया गया। तो गाइज भारत रत्न सबसे पहले मिला था सचिन तेंदुलकर को, खिलाड़ी में। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में किसान घाट, तो मुझे इतना क्लियर नहीं है, बट किसान घाट जो है वो चरण सिंह के नाम पर है, की समाधि है। मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था बाऊजी, बाऊजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। मूव करते हैं सेवन क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था सीवी रमन को जो अवार्ड दिया गया वो साइंस के किस क्षेत्र में दिया गया। तो दोस्तों अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करूं तो उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, और ये एशिया के पहले इंसान थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, और ये नोबेल प्राइज इन्हें किसके लिए मिला, प्रकाश के क्षेत्र में। मूव करते हैं एट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था राजीव गांधी अवार्ड से, तो उसका जो आंसर था वो था विश्वनाथ आनंद। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो शिफ्ट थ्री में पूछे गए। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले शिफ्ट वन की और शिफ्ट टू के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्य कौन है। तो गाइस यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो परमानेंट मेंबर हैं वो हैं अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था हरप्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है। तो गाइस हरप्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। पूछा गया था वियतनाम की कैपिटल, तो गाइस हम सब जानते हैं वियतनाम की कैपिटल हनोई है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम। तो गाइस भारत और चीन का जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन, और भारत और पाकिस्तान का बीच का जो बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो गाइस हम जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बनाई गई है, और 183 मीटर ये हाइट है इसकी, और ये नर्मदा रिवर के ऊपर बनाई गई है। मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था यूथ डे, तो ये है 12 जैन को मनाया जाता है। सेवन क्वेश्चन पूछा गया था 16 यार्ड फीट किस गेम में है, तो गाइज ये है हॉकी में। एट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया था कैपिटल ऑफ केनिया, तो गाइज कैपिटल ऑफ केनिया है नैरोबी। और नाइन क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो गाइज नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को, इसके चेयरमैन है मोदी जी। मूव करते हैं और क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आज के नेवी एमआर के एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो गाइस भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था स्पाइडरमैन मूवी का एक्टर, तो गाइस अगर मैं पुरानी स्पाइडरमैन की बात करूं तो पुराने स्पाइडरमैन की मूवी में जो एक्टर थे उनका नाम था टॉबी मैग्यूरी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था पड़ोसी देश का पर नजर रखने के लिए क्या लॉन्च किया गया, तो गाइस पड़ोसी देश पर नजर रखने के लिए चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, तो गाइस राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था कर्नाटका का राज्यपाल, तो दोस्तों कर्नाटका के जो गवर्नर है उनका नाम है वैजुमाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा, तो गाइस 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा, एंड वी नो दैट कतर इज अ गल्फ कंट्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू विच खेल, तो गाइस दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू तीरंदाज विच इज ऑल्सो नोन एज आर्चरी। मूव करते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था WBC का फुल फॉर्म, तो WBC स्टैंड्स फॉर व्हाइट ब्लड सेल, एंड वी नो दैट व्हाइट ब्लड सेल आर द ओनली सेल विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरियाज।
मूव करते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था नोबल प्राइज कौन सा देश देता है, तो वी नो दैट गाइज नोबल प्राइज देता है स्वीडन। और नोबल प्राइज पीस के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबल प्राइज मिलता है वो एक रिक्सॉ बैंक ने स्टार्ट किया था। और आपको पता होगा नोबल प्राइज हम एल्फर्ड नोबल के नाम से देते हैं जिसने डायनामाइट बनाया था। मूव करते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था एम एफ हुसैन कौन थे, तो गाइज एम एफ हुसैन इज द पिकासो ऑफ इंडिया, एक पेंटर थे भारत के जो अब नहीं रहे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आज के पेपर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में। पूछा गया था बंबू डांस रिलेटेड टू विच स्टेट, सो वी नो दैट बंबू डांस इज रिलेटेड टू मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कीनिया की कैपिटल, कीनिया की कैपिटल है दोस्तों नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के रहने वाले थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हैं एक ग्रेट पोएट और ये कोलकाता के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज हैं, तो गाइज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नागालैंड की लैंग्वेज, तो दोस्तों नागालैंड की लैंग्वेज है इंग्लिश। पूछा गया था नेवी डे कब मनाते हैं, तो नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। और नीति आयोग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था बटरफ्लाई शब्द इज रिलेटेड टू विच गेम, तो गाइज बटरफ्लाई शब्द इज रिलेटेड टू स्विमिंग। सो गाइज दीज आर द क्वेश्चन जो आज पूछे गए नेवी एमआर के एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन जो है उसे दबा लीजिए, दबाना बनता है वैसे बॉस, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।